दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपको लेके आए हैं चंडीगढ़ के वर्ल्ड पार्क में। तो आपको दिखाते हैं कैसा है वर्ल्ड पार्क चंडीगढ़ का। तो आप बने रहो वीडियो में, दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों पार्किंग एरिया है वर्ल्ड पार्क का, आप देख सकते हो सामने। उसी के साथ दोस्तों आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, आप सामने देख सकते हो, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। दोस्तों टिकट लेके आप यहां से एंटर हो सकते हो। अगर टिकट डेट की बात करें दोस्तों, चाइल्ड एज 5 से लेके 12 तक आपको 30 रुपये देना पड़ेगा, अडल्ट का 50 रुपये है। अगर आप दोस्तों बिग्ड बर्ड सेक्शन में जाना चाहते हो तो दोस्तों आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब कि आपको 150 रुपये करीब देना पड़ेगा। सामने आप दोस्तों चंडीगढ़ का लोगो देखा होगा, यहाँ पर बर्ड पार्क लिखा हुआ है। यहाँ से एंटर होते ही आपको खूबसूरत सी एंट्री देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी एंट्री है। और दोस्तों यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, और आप देख सकते हो सामने पेड़ बूटे काफ़ी लगे हुए हैं, हरियाली में कोई कमी नहीं है। ये बोर्ड लगा है यहाँ पे, जो जो पंछी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड में दोस्तों एक जिम सेक्शन है, यहाँ पर आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। आज दोस्तों सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, इसलिए काफ़ी क्राउड है। सैटरडे और संडे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। आज मैं सैटरडे का दिन है इसलिए आया हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ क्राउड भी बहुत होगा और भीड़ भी दोस्तों काफ़ी होगी। ये दोस्तों पंछी का नाम लिखा हुआ है, जो जो पंछी यहाँ पे होगा वहाँ पे उसका नाम लिखा होगा। ये आप सामने देख सकते हो, जो फोटो में था ये वो पंछी है, आप देख सकते हो। ये दोस्तों बत्तख वगैरह है, ये आप देख सकते हो। साथ में दोस्तों पार्क की तरह है, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत से बनाया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ हरियाली इतनी है कि आप बस देखते रह जाओगे, देखने में बहुत प्यारा है ये पार्क दोस्तों। आगे आगे दोस्तों आप वीडियो पे बने रहो पूरा, क्योंकि आगे आपको ऐसे पंछी देखने को मिलेंगे जो कि शायद आपने नहीं देखे होंगे, और मैंने भी दोस्तों फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहो। सामने दोस्तों आप राशि पार्टी का देख सकते हो, इसके दोस्तों अंदर है होते ही आप यहाँ पे आपको काफ़ी फूल बूटे दिखाई देंगे और काफ़ी पत्ते वगैरह जो भी है यहाँ पे, उनके नाम भी मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी दोस्तों हम अपना एंटर हो रहे हैं जो मेन है, जहाँ पे पंछी वगैरह ज़्यादा रखे हुए हैं, वहाँ से एंटर हुए हैं, वो एंट्री था। यहाँ से एंटर होते ही आप देख सकते हो ऐसा कुछ बना हुआ है, इसके अंदर पंछी रखे हुए हैं। ये दोस्तों नाम लिखा हुआ है जो भी पंछी यहाँ पे अंदर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दो शीशा लगाया हुआ, शीशे से काफ़ी क्लीन दिखाई दे, और पंछियों को रखने के लिए भी दोस्तों काफ़ी अच्छा इंतजाम है, आप देख सकते हो उनके लिए घर जैसा बनाया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों काफ़ी रंग बिरंगे से पंछी है, आप देख सकते हो। उनका नाम दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख के देख सकते हो ये कौन सा पंछी है। ये सामने दोस्तों आप देख सकते हो लव वर्ड नाम का पंछी है, ये यहाँ पे रखे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। इन पंछियों को दोस्तों काफ़ी केयरिंग की जाती है, इनके खाने पर, इनके रहने का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, आप देख सकते हो। अभी दोस्तों हम एंटर हो रहे हैं जहाँ पे और पंछी रखे हुए हैं, तो ऐसा कुछ बनाया हुआ दोस्तों। अगर आपने मेरी छतबीर वाली जू वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी कुछ ऐसा था, जिसमें ऐसे कुछ एंट्री था एंटर होने के लिए, आप देख सकते हो दोस्तों। अगर आपने मेरी चंडीगढ़ की छतबीर जू वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी दोस्तों आप मेरे चैनल विजिट करके देख सकते हो। मैंने चंडीगढ़ की ऑल जो जो अच्छी प्लेस है देखने के लिए वो सारी की वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल विजिट करके देख सकते हो।
ये सामने आप देख सकते हो दोस्तों, ये ऐसी कुछ बत्तख है, उनकी फ़ोटो है और उनका नाम लिखा हुआ है। ये पानी में आप देख सकते हो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हो दोस्तों, जो फ़ोटो में दिखाया हुआ है उनका नाम मुझे ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो। देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वर्ल्ड पार्क के एड्रेस की बात करें तो दोस्तों ये सेक्टर एक में पड़ता है। अगर दोस्तों आप सुखना झील में आते हो और रॉक गार्डन में आते हो तो उसी के साथ में ही है ये, थोड़ी दूरी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर सुखना लेक आते हो और रॉक गार्डन आते हो तो आप यहाँ पे आ सकते, यहाँ पे आके आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा दोस्तों। सामने आप दोस्तों एक बत्तख देख सकते हो, वो डार्क नाम से है, ये सामने देख सकते हो। ये भी देखने में काफ़ी प्यारी लगती है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होगी छन छन की, क्योंकि साथ में दोस्तों सामने आप देख सकते हो यहाँ पे झरना है, पानी का झरना है, और यहाँ पे लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। यहाँ बत्तखों की भी दोस्तों काफ़ी वैरायटी है, आप ये भी बत्तख देख सकते हो ब्लैक कलर की, जो देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। ऐसे पुल की तरह बनाया हुआ है, यहाँ पे आप खड़े होकर देख सकते हो पंछी वगैरह। साफ सफाई का यहाँ पे काफ़ी अच्छा ध्यान है और देखने में भी ये पार्क बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो। ऐसे झरने आपको यहाँ पे काफ़ी दिखाई देंगे। आगे दोस्तों आपको और पंछी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। सामने आप ग्लास ब्रिज दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों, ऐसे कुछ बनाया हुआ है, उसके साथ में नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी रंग बिरंगी आपको मछलियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों मछलियों की भी आपको काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ देखने को मिल, मेरे को तो दोस्तों इस पार्क में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप भी जब आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी दोस्तों हम यहाँ से आउट हो रहे हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे ही बाहर निकलने के लिए एंट्री बनी हुई है, ऐसे जैसे वहाँ बंदर हुए थे ऐसे ही कुछ बाहर निकलने के लिए है। अभी हम बाहर आ गए। अभी हम दोस्तों दूसरे सेक्शन में एंटर होंगे, जहाँ पे वो पंछी रखा है जिसके लिए हमने 100 रुपीस पे किया हो, 100 रुपया पे किया हुआ है। तो आप अभी हम वहाँ पे एंटर हो रहे हैं, वह भी कुछ ऐसे सेम ही बना हुआ है जैसे आपको पहले दिखाया हो। ऐसे ही दोस्तों हम एंटर होंगे यहाँ से, आप देख सकते हो। ये आपको दो पंछियों की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी दोस्तों, जिनके नाम भी मेंशन किए हुए हैं। अभी ये देखने में नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ घोंसले हैं यहाँ पे बने हुए हैं। गर्मी का टाइम है दोस्तों, इसलिए कुछ पंछी बाहर नहीं निकलते हैं। आगे मैं आपको और पंछी दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, वो देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और उनके रंग भी अलग अलग हैं। आप सामने देख सकते हो दोस्तों, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। आप दोस्तों यहाँ फैमिली के साथ आ सकते हो, बच्चे भी यहाँ पे आके काफ़ी एंजॉय करते हैं, तो आप आओ तो फैमिली के साथ आओ, आपको अच्छा लगेगा यहाँ। आप सामने जो पैरट देख रहे होंगे छोटे छोटे दोस्तों, उनकी फ़ोटो लगी है, ऐसे कुछ है, ये देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। हम इसके काफ़ी पास है पर उड़ भी नहीं रहे दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं आप इनको। ये जो सामने आप फ़ोटो देखी है, ये पहले आपको मैं दिखा नहीं पाया, तो अभी मैंने दोबारा देखा तो यहाँ पे थोड़ा एंटर होना पड़ता नीचे जाके, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, पर यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ऐसा पंछी है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, रंग बिरंगा सा। यहाँ पर एंटर होना अलाउड नहीं था, पर मैं आपको दिखाने के लिए एंटर हो गया। ये कुछ ऐसे भी पंछी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे बनाया हुआ है, तो देखने में इतने प्यारे लगते हैं दोस्तों कि आप इनको देखते रहोगे। ये ऐसा कुछ वाइट कलर का है, तो
यहाँ पे हैं दोस्तों, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो बाहर आएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों, ग्रीन कलर का कपड़ा डाला हुआ है, जिसमें यहाँ पे पानी वगैरह डालते हैं कि यहाँ पे ठंडक वगैरह बनी रहे और पंछी आराम से रहें। अब दोस्तों हम वहाँ पे एंटर हो रहे हैं, आप सामने देख सकते हो, जिसके लिए हमने 100 रुपया पे किया है उस पंछी के लिए, जिसका नाम है बिंगड वोंडर्स। आप सामने देख सकते हैं इस नाम से पंछी है, इसकी एंट्री 100 रुपया दोस्तों। तो आप टिकट दिखा के अंदर एंटर हो सकते हो। यहाँ पे दोस्तों पंछी को हाथ पे लेके लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। ये ऐसे है देखने में दोस्तों, काफ़ी प्यारा लगता है और इनका साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो मैंने भी फ़ोटो कराई, आप देख सकते हो। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 4-5 हैं, एक रेड कलर का भी है, आप देख सकते हो। ये अभी अनट्रेंड है, इसलिए इसको हाथ में रख के फ़ोटो नहीं करा सकते, पर आप देख सकते हो। और भी यहाँ पे आपको छोटे छोटे पंछी देखने को मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये जगह अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना आपको ये पार्क कैसा लगा है। ये सामने आप पंछी देख रहे होंगे दोस्तों, इनके लिए कूलर वगैरह लगाया हुआ है कि इनको ठंडक बनी रहे। अभी हम दोस्तों बाहर आ चुके हैं, आप सामने देख सकते हो, यहाँ से आप पार्क के लिए एक्सिट हो सकते हो। सामने कुछ ऐसी शॉप है, आप देख सकते हो, साथ में गार्डन है, आप बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। सामने आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर विजिटिंग, तो जहाँ से ये लोग जा रहे हैं वहाँ से एक्सिट हो जाएगा। और सामने दोस्तों कंटीन है खाने पीने की, तो आप वहाँ पे जाके कुछ भी खाना ऑर्डर करके खा सकते हो। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आप खाना चाहते हो, स्नैक्स वगैरह, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप खा के अपना बैठ के निकल सकते हो आराम से। आपको ये वर्ल्ड पार्क कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। और तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।